visible is usually we see panels and which we have started calling manuals if we don't see women in it, but at least in the audience that they should also be given a voice. So this is why we have Pushpa over here. I would like actually for you to introduce yourself and your impressive work which you do. I know what you do. This is why I wanted you here. Thank you, Hafia. It's an honor for being here because I didn't see any university to display this type of work for the minorities, specifically minorities within the minorities. It's an honor, South Asia Institute, ke unhone hame yahan pe bulaya aur women voice aur women ki awaaz दूर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में या जहाँ जहाँ हम जाते हैं, आर्टिकल 36 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 20 सेफ गार्ड करता है हमारे राइट्स को, हमें राइट्स बिल्कुल सेफ गार्ड करता है, लेकिन ऑन द ग्राउंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट हमारे एज ए वुमेन, मैं समझती हूँ इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस फॉर सर्व एनी इंस्टीट्यूशन और फॉर सर्व फॉर द सोसाइटी, फॉर वर्क फॉर द वॉइसलेस और फॉर वर्क फॉर द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, स्पेसिफिकली एज ए वुमेन. आई फील कि जब हम बात करेंगे यहाँ पे, मैं उर्दू में इसलिए बात कर रही हूँ कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और मैं समझती हूँ कि मेरी आवाज़ हर वो इंसान सुने, हर वो शख्स सुने जिसको लगता है कि हम अकलियतें, यहाँ पर रहने वाली अकलियतें जो हैं, वो अपने राइट्स के लिए, अपने स्ट्रगल के लिए किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मैन स्ट्रीमिंग में ला रही हैं. तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा लूँ. माई नेम इज़ पुष्पा कुमारी और आई एम सर्व एज अ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज ए काउंसिल मेंबर. गुज़िश्ता 18 साल से मैं ख़वातीन के हुकूक के लिए, स्पेसिफिकली औरतों के हुकूक के लिए, और औरत भी वो ख़ास तौर पे, मेजॉरिटी औरत की बात करेंगे या हम फेथ की बात करेंगे तो एज ए हिंदू दलित वुमेन की मैं बात करूँगी, क्योंकि आप जब बाउंड्रीज़ या पार्टीशन बिफोर अब सब कॉन्टिनेंट को देखें तो आप सिर्फ एक औरत को देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं, उसके चैलेंजेस और उसकी तकलीफ देखते हैं. तो मैं यहाँ बात करूँगी एज ए हिंदू दलित वुमेन, उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहूँगी कि जब हम सार्क कंट्रीज़ की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करते हैं, यहाँ जो ख़वातीन ने अपने इनसाइट दिए, भूटान की औरत हो, श्रीलंका की औरत हो, बांग्लादेश की औरत हो, पाकिस्तान की औरत हो, और ख़ास तौर पे जब वो अकलियत औरत हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ किस तरह से आप किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं. शेड्यूल कास्ट, कास्ट की बात करेंगे हम. शेड्यूल कास्ट इज़ अ शेड्यूल कास्ट, ज़ात की बात करते हैं हम यहाँ, नॉट अ रिलीजन. हिंदुज़म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ रिलीजन. तो जब हम कास्ट विद इन रिलीजन में जब हम जाते हैं तो हम डिफरेंट कास्ट की बात करेंगे. तो शेड्यूल कास्ट 1957 में जब ये एक ऑर्डिनेंस आया था और उसमें ये कहा गया था कि इन कास्ट को हमने अपलिफ्ट करना है. क्यों, क्या ज़रूरत आन पड़ी थी, क्या तकलीफ़ आ गई थी कि इन कास्ट को अपग्रेड किया जाए, इनको मैन स्ट्रीमिंग में किया जाए, तो क्या हम वो अचीव कर पाए हैं, क्या हम उन कास्ट को मैन स्ट्रीम में ला पाए हैं. हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग देयर, क्या आपको मालूम है कि वो कास्ट कौन सी हैं, क्या कभी आपने किसी बागड़ी का नाम सुना होगा, क्या कभी आपने किसी ओड का नाम सुना होगा, क्या कभी आपने कभी किसी, जब हम सैनिटेशन वर्कर्स की बात करते हैं, वाल्मीकि का नाम सुना होगा.
शायद यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने इन कास्ट का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि जब हम शहरों की तरफ अर्बन एरियाज़ की तरफ आते हैं तो उन कास्ट की बात हम कर लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सेड हाँ ये सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हाँ ये कास्ट यहाँ काम करती हैं। तो कास्ट जहाँ यहाँ रहने की उनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती, क्यों पेश आई? तो मेरा पर्सपेक्टिव या कॉन्टेक्स्ट में इस खित्ते की बात करूँगी कि हम यहाँ रहने वाली अकलियतें ख़ास तौर पे जो पीछे आप देख रहे हैं ब्रेकिंग द साइलेंस, उस पर एक ब्लैक पट्टी लगी हुई है पीछे जो तस्वीर है। तो मुझे लगता है अभी तक हमारे मुंह और औरत एज ए वमेन अभी तक वो पट्टी खुली नहीं है। तो आपने ये इनिशिएट लिया साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ने फॉर द माइनॉरिटीज़, ये इनिशिएट लेने का मकसद, यहाँ बैठने का मकसद, बात करने का मकसद और ख़ास तौर पे दलित या शेड्यूल कास्ट औरत के लिए बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि हम सिर्फ उनके राइट की बात ना करें, उनके चैलेंजेस और उनके जितने भी स्ट्रगल्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा खोलने की कोशिश करें, उन पे भी बात करने की कोशिश करें। क्योंकि औरत होना ख़ुद एक, मुझे लगता है कि इट्स अ बिग, इट्स अ थैंकलेस टास्क। एक औरत होने के नाते हम जितना फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन इन द इंस्टीट्यूशंस, इन द फील्ड, आपको शायद मालूम नहीं है कि अगर उमरकोट से कोई बस कराची की तरफ आती है और उसमें एक औरत शेड्यूल कास्ट बैठी है तो उसको अभी तक सीट भी नहीं दी जाती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये मेरा ख़ुद का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे साथ, मैं उस खित्ते से निकल के आई हूँ जहाँ पे थरपारकर से मेरा ताल्लुक़ है, मिट्टी से ताल्लुक़ है मेरा, और उस खित्ते की औरत ज़रूर तालीम याफ्ता, तालीम की तरफ बढ़ रही है। बिकॉज वी थिंक दैट वी डोंट हैव बिजनेस, वी डोंट हैव एनी फाइनेंशियल सपोर्ट, वी आर पुअर, और वी आर पुअर विद इन द आपके रीजन में, हम उतने गरीब हैं कि हमारे पास तो एक वक्त का खाना होता है और दूसरे वक्त खाने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब वो औरत फील्ड में काम करती है और अपने बच्चे फील्ड में छोड़ के जाती है तो हम उनके लिए क्या कोशिशें ऐसे कर सकते हैं। हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हमारे पास तो अपनी ज़मीन भी नहीं है, हमारे पास अपनी छत भी नहीं है, हमारे पास, मैं सिर्फ ख़वातीन की बात कर रही हूँ कि उन ख़वातीन के लिए हमने क्यों नहीं सोचा कि जब आप आर्टिकल 20 कहते हैं और आर्टिकल 36 में कहते हैं कि प्रोविंशियल और फेडरल आपके जो टायर्स हैं उसमें आप माइनॉरिटी को लेके आएंगे, लेकिन उस माइनॉरिटी को लेके आएंगे जो कि बिजनेस क्लास है, उस माइनॉरिटी को नहीं लेके आएंगे जो ग्राउंड्स पे, जो फील्ड में, जो हमारी उस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जो कि 80% है। सेंसस 2017 के मुताबिक 8,69,000 कुछ के करीब माइनॉरिटीज़ 2017 की बता रही हूँ, उसमें हम 4,00,000 हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम 50,00,000 हैं। तो 50,00,000 की यहाँ बात हो रही है, उन 50,00,000 को पहले आप कम अज़ कम यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में लेके तो आएँ। जॉब कोटा की बात करते हैं हम, एजुकेशन कोटा हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आएँ, लेकिन हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग हेयर कि उसमें कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। तो मेरा जो 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 इसमें हमने एक सर्वे किया था, जो ओवरऑल सिंध के कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ कि उस सर्वे के मुताबिक बहुत सारी ख़वातीन और ऐसे केसेस जिसमें मुख्तलिफ इश्यूज हाईलाइट हुए थे, उसमें सबसे पहला इशू डिफरेंट, मैं उस सिनेरियो में बात करूँगी कि उनके मसाइल में सबसे पहले एजुकेशन, सेकंड हेल्थ, थर्ड कन्वर्जन, फोर्थ आप उनको अगर देखेंगे
तो उन ख़वातीन में, उन औरतों में आपको लगेगा कि उनकी जो न्यूट्रिशनल, जो उनकी हेल्थ है वो भी डाउन थी। ये एक वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम का एक स्टडीज़ था, मैं वो शेयर भी कर दूंगी आपसे अगर मुझे टाइम मिला। लेकिन उसके बाद हम ये सोचने पे मजबूर हुए कि औरत होना और उसके बाद माइनॉरिटी की औरत होना कितना तकलीफ़देह बात है, क्योंकि हमारी आवाज़ के ऊपर जो पीछे ब्लैक पट्टी लगी है इसको आप खोलेंगे, यहाँ पे बैठने लोग खोलेंगे। और आई वुड लाइक टू थैंक के सारिम ने इस सब कॉन्टिनेंट में, फिर वो श्रीलंका हो, भूटान हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, उन औरतों की बात की है। यहाँ बैठी औरतों ने अपनी बात की है। तो डिस्क्रिमिनेशन के साथ अगर मैं देखूँ तो मेरे साथ 1996 में एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट हुआ था, जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी के, आई वाज इन मास्टर इन एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, और मेरी यूनिवर्सिटी के एक लाइब्रेरियन ने मुझे कहा था कि आप इस गिलास से पानी नहीं पी सकती हैं क्योंकि आप इट्स अ टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस कि आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पे आप ग्लास में पानी नहीं पी सकते हैं, जहाँ पे आप, ये 96 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो उसके बाद जब मैंने उस लाइब्रेरियन के ख़िलाफ़ खड़ी हुई और मैंने कहा कि इंक्वायरी आप होगी, और उस इंक्वायरी में पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वाइस चांसलर्स एंड फैकल्टीज़ मेरे साथ बैठे और उन्होंने मेरा साथ दिया, और मैं वो इंक्वायरी में सक्सीड हुई। और उसके बाद मैं लड़ी अपने लिए, अपनी उन औरतों के लिए जो कि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में आती हैं, ये बताने के लिए कि वी आर लाइक यू ह्यूमन, वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम उन अकलियतों के लिए लड़ना चाहते हैं। आफ्टर दैट, उस केस के बाद मुझे महसूस हुआ और मेरी स्ट्रगल 96 के बाद शुरू हुई, जिसमें मैंने ये देखा और सोचा कि जब आप एक स्टूडेंट के साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं तो आप एक फील्ड में रहने वाली और एक गरीब औरत के साथ किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती होगी। तो ये मेरा इनसाइट और मेरा ये एक सिर्फ एक एक्सपीरियंस बताने का यहाँ मकसद ये था कि वहाँ से मेरी लड़ाई शुरू हुई, वहाँ से मेरी स्ट्रगल शुरू हुई। और आफ्टर दैट आई वाज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एज ए कंसल्टेंट, पॉलिसी मेकिंग एंड लेजिस्लेशन की साइड पे भी हमने वर्क स्टार्ट किया फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज़, क्योंकि 1947 के बाद हमने ये देखा कि हम यहाँ रहने वाले आज तक अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं अपनी शादियों की। मैं अभी तक अपनी शादी को रजिस्टर्ड नहीं करा पाई हूँ, तो आप सोचें, इक्वल सिटीजनशिप तो बहुत दूर की बात है। आपका यहाँ सुनने का और यहाँ बैठने का शुक्रिया कि मुझे आपने सुना, और मैं अपना जो स्ट्रगल है और जर्नी है उसको जारी रखूँगी और फोरम पे ये बताती रहूँगी कि औरत होना, औरत की ताकत को समझने के लिए हमें इस सब कॉन्टिनेंट में जुड़ना पड़ेगा, और इस तरह के साउथ एशियन इंस्टीट्यूट हर यूनिवर्सिटी में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि माइंडसेट को चेंज करना और पैट्रियार्की को चेंज करना, ख़ास तौर पे एज ए रिलीजियस माइनॉरिटी, मैं जो एज ए दलित वोमेन मैं समझती हूँ कि उस माइंडसेट को चेंज करना, जो ये कहते हैं कि ये ज़मीन पे बैठेंगे, ये ज़मीन पे हम इनको खाना देंगे, इन ज़मीन के लोगों को हम आसमान छू कर बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू पुष्पा, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा। ये है वो ब्रेकिंग द साइलेंस की जो हम बात कर रहे थे।
कि इन्होंने बीड़ा उठाया अपने ज़ात की हद से आगे निकल के, और फिर सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की ये मेंबर बनी, वहाँ पे जेंडर बेस्ड वायलेंस कमेटी की ये मेंबर है, जो मैंने कहा था कि मैं नहीं इनका तारुफ कराऊँगी क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या काम करती हैं। तो इसी तरह के हमें वो साइलेंस ब्रेकर्स चाहिए अपनी सोसाइटी में, विच डोंट नेसेसरली हैव टू बी विमेन। ये एक मुश्तरक हमारी कोशिशें होनी चाहिए।